नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। इस समय हम फंसे हुए हैं राष्ट्रीय लाचारी में और राष्ट्रीय मक्कारी में। देश को इस गर्त में डुबोकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट, कोरोना आपदा को अवसर में तब्दील करने में लगे हुए हैं और उनके साथ पूरी की पूरी टीम। क्या नियम, क्या कायदे, क्या संविधान, सब कुछ राजा के हुक्म से चल रहा है इस समय। एक पुरानी कहावत है जो सामंती तो है ही, महिला विरोधी भी है, लेकिन बहुत इस्तेमाल की जाती रही है, संयम भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आज के दौर में अगर इस कहावत को देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देता है, मोदी बने पीएम तो अब डर काहे का। कम से कम देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से सरकारों को गिराया जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है और सारी संस्थाएं नतमस्तक दिखाई दे रही हैं, उसमें यह कहावत इसी रूप में देखी और समझी जानी चाहिए। कम से कम राजस्थान की जो खबरें आ रही हैं वह बता रही हैं कि लोकतंत्र जब तार तार होता है तो क्या संविधान, क्या नियम, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, क्या हाई कोर्ट का जजमेंट, पहले क्या हुआ था, सब कुछ अपनी जगह और राजा की चाह अपनी जगह। आप देखिए कि शायद पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र में कि एक सरकार जो चुनी हुई है, अशोक गहलोत जिसके मुख्यमंत्री हैं, वह लगातार गुहार लगा रहे हैं, राज्यपाल से कह रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, हमें बहुमत सिद्ध करने दीजिए। लेकिन राज्यपाल, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि किनके इशारों पे काम करते हैं, कर रहे हैं, वे सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि उनके मन माफिक सरकार नहीं बन सकती। क्योंकि ठीक इससे पहले हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जब उनके पक्ष में चीजें होती हैं तो आनन फानन चुटकियों में सारी चीजें लाइन पे आ जाती हैं। लेकिन यहां जो लाचारगी है, क्या कही है उसको, सुप्रीम कोर्ट जाइए वहां हाल वही, हाई कोर्ट जाइए हाल वही, दुहाई देते रहिए, उनको जो काम करना है वे काम करते रहेंगे। राष्ट्रीय मक्कारी के तो क्या ही कहने, हर चीज नया नॉर्मल होती जा रही है, न्यू नॉर्मल। विधायकों की खरीद फरोख्त, उनको तोड़ना, उसे डिसेंट कहना, सब कुछ जायज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार बनाई गई वह सब कुछ नया नॉर्मल था। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है इतने दिनों से वह भी नया नॉर्मल है। भारतीय लोकतंत्र इस समय नए नॉर्मल के बीच से गुजर रहा है। ये आग ऐसी जली हुई है कि इसमें संविधान कहां बचेगा, नियम कायदे कानून कहां बचेंगे, हमें और आपको किसी को पता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना हो गया है अभी, उनसे उस समय भी सवाल पूछे जा रहे थे जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था, महामारी के रूप में फैला हुआ था मध्य प्रदेश में। बैठकें करके सरकार गिराई जा रही थी, सरकार बनाई जा रही थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना का संकट यह रूप भी ले सकता है। राष्ट्रीय लाचारी के तो क्या ही कहने। अब आप देखिए ना कि जिन अदालतों को डिसेंट यानी असंतुष्टि, जब राजस्थान के विधायक आते हैं तभी असंतुष्टि उनको मौलिक अधिकार लगता है, उन्हें लगता है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है डिसेंट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, जो अपने तेज तर्रार तेवर के लिए जाने जाते हैं, जो तमाम तरह के जो घोटाले हैं उनके बारे में बात करने का सीधे सीधे साहस रखते हैं, उनके डिसेंट पर अवमानना की बात होती है, उनके डिसेंट पर सुओ मोटो एक्शन होता है। लेकिन यही सुओ मोटो एक्शन ये अदालतें उस समय नहीं लेती, आज तक नहीं लिया, जब बिहार के अररिया इलाके में जो गैंग रेप सर्वाइवर है, जो सामूहिक बलात्कार उत्तर जीविता है, उसे एक अदालत जेल में डाल देती है। सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी मदद के लिए आए एक एनजीओ के दो कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल देती है। और किसी तरह से वह रेप सर्वाइवर तो बाहर आती है, लेकिन 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ये दोनों जो कार्यकर्ता हैं वे अभी भी जेल में हैं।
और इनकी रिहाई के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन यहां पर कोई सुओ मोटो एक्शन अदालतें लेती दिखाई नहीं दे रही। कहां है संविधान, कहां है कानून, क्या राष्ट्रीय लाचारी है? महाराष्ट्र के एक आरटीआई एक्टिविस्ट यानी सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले। बहुत ही अहम जानकारियां बहुत मेहनत से जुटाते हैं, खोजबीन करते हैं और हमारे सामने लाते हैं। उन्होंने 23 जुलाई को एक ट्वीट किया, बहुत ही अहम ट्वीट है। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताई, पूरी श्रृंखला हमारे सामने रखी, जिससे यह सामने आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने 2019 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस समय सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी आईटी सेल के व्यक्ति को, उससे जुड़ी हुई संस्था को ठेका दिया था, उसे हायर किया था। और साकेत पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी हमारे सामने रखते हैं। साकेत गोखले बहुत अहम जानकारी हमारे सामने रखते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह से जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO महाराष्ट्र, उनका जो एड्रेस वह 202 प्रेसमन हाउस विले पार्ले मुंबई था, और यही पता द फियरलेस इंडियन का, जो एक फेसबुक पेज है जो भाजपा समर्थक है। यह जानकारी बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह बढ़ती ही जा रही है परत दर परत। इसी में आगे पता चलता है कि जो मुंबई बेस्ड एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन एजेंसियां हैं, सपोर्ट इंडिया, सोशल सेंट्रल, उनका पता भी यही है। इसके बाद साकेत को निशाने पर लिया जाता है, उनका फोन पब्लिक कर दिया जाता है, लगातार इस बारे में भी वो ट्वीट करते हैं। और फिर यहां पर आते हैं ऑल्ट न्यूज। ऑल्ट न्यूज एक वेबसाइट है जिसे प्रतीक सिन्हा चलाते हैं और वह इसमें आगे और पड़ताल करते हैं। वह आगे पड़ताल करते हैं तो परत दर परत और खुलती जाती है। उससे पता चलता है कि ये जो पूरे के पूरे फेसबुक पेज हैं, ये जो कंपनियां हैं, यह सब जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से यह सारी कड़ियां जाकर मिलती हैं देवांग दवे नाम के व्यक्ति से, जो सोशल सेंट्रल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फियरलेस इंडिया के भी फाउंडर हैं। यानी ये सारे के सारे लोग, ये सारी के सारी वेबसाइट्स जुड़ी हुई हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना सोशल मीडिया का प्रचार करने के लिए चुनाव से पहले, महाराष्ट्र चुनाव से पहले ठेका दिया। अब आप देखिए कि ये जो देवांग दवे हैं, यह भी अपने आप में काफी दिलचस्प व्यक्ति हैं। यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी से के सपोर्टर हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोशल मीडिया के हेड हैं। और जब यह खुलासा सामने होता है तब देवांग दवे ट्वीट करते हैं। वह ट्वीट बहुत दिलचस्प है। उसमें वो कहते हैं कि वो दलाली से पैसा नहीं खा रहे हैं, वे बहुत मेहनत से पैसा खा रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और यह सब कुछ जो हुआ वह सबके सामने हुआ। सवाल हमने दलाली का उठाया भी नहीं, सवाल साकेत गोखले ने भी दलाली का नहीं उठाया, सवाल प्रतीक सिन्हा ने भी दलाली का नहीं उठाया, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उठाया कि एक व्यक्ति, उसकी जो जितनी भी कंपनियां या जितने भी फेसबुक पेज या सोशल मीडिया जिनका वो चला रहा है, अगर वह सरकार के समर्थन में चला रहा है, अगर वह बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसे कैसे और क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक राज्य के चुनाव की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करने की देगा। लेकिन सवाल यह है कि यह सवाल हम किससे करें, इसका जवाब हमें कौन देगा? इसका जवाब देने के लिए साकेत गोखले के घर कुछ आरएसएस के लोग पहुंचे, उनकी मां को डराया, धमकाया। इसका भी वीडियो साकेत गोखले ने बनाया और उन्हें अपील की कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि जिस तरह से ये झुंड यहां नीचे खड़ा हुआ है और हमलावर है, वह कुछ भी हो सकता है। यह नया भारत है कि अगर आप सच बोलते हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही कुछ चीजें सामने लाते हैं, तो आपकी खैर नहीं। वह पूछते हैं साकेत गोखले कि उनका नंबर पब्लिक कैसे किया गया, 10 मिनट में उनको 130 कॉल या 103 कॉल कैसे आए, ये कौन लोग हैं जो डराना चाहते हैं?
अगर सब कुछ सही है तो डर किस बात का, पीएम मोदी है तो डर किस चीज का है। तभी तो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय मक्कारी और राष्ट्रीय लाचारी के बीच फंसा ये भारतीय लोकतंत्र क्या कुछ देखेगा। देखने को तो बहुत कुछ है, अभी वीडियो ही देखिए। केंद्रीय मंत्री हैं जनाब अर्जुन राम मेघवाल और यह प्रचार कर रहे हैं एक पापड़ का। जी हां, पापड़ का। इनका कहना है कि इस बस पापड़ को खाइए और कोरोना को दूर भगाइए। हालांकि इस देश ने बहुत कुछ देखा है, प्रधानमंत्री ने थाली भिजवाई है, दिए जलवाए हैं, कोरोना को दूर भगाने के लिए हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। और मोदी जी के मंत्री तो गजब ही कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि भाभी जी वाला पापड़ जो ये है, इसे खाने से कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी। तो भारतीय लोकतंत्र को तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ हम देख रहे हैं। हम भारत के लोग निश्चित तौर पर फंसे हुए हैं राष्ट्रीय मक्कारी और राष्ट्रीय लाचारी के बीच, और हम इसको खुलासा करने के लिए अपना सिलसिला जारी रखेंगे। निश्चित तौर पर हम सच का साथ नहीं छोड़ेंगे और ये जो सारे झूठ फैले हुए हैं हमारे इर्द गिर्द, इनको बेपर्दा करेंगे आपकी मदद से। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज क्लिक खोज खबर। सच को जिंदा रखने की हमारी जंग जारी रहेगी। शुक्रिया। Thank you.